जल्दी से बेटा, जल्दी से करो करो फटाफट। एट थे अपनी बेटा, ये बंद कर दो माइक। अगर हम बेटा साइकिल देखेंगे, इधर देखो जरा, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट्स बनता है और फिर यहाँ पे प्रोसेस आ जाती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, दिस नाइट्रेट्स इट चेंजेस इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दोबारा से ध्यान से सुन लो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कि क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑब्वियसली बाय माइक्रोब्स। इन नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया इज फॉर्म्ड, देन अमोनिया अंडरगो नाइट्रिफिकेशन, बाय नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड, नाइट्रेट्स अंडरगो डीनाइट्रिफिकेशन व्हिच चेंजेस नाइट्रो नाइट्रेट्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस इज साइक्लिक फॉर्म, इज इट राइट एवरीबॉडी? जिसको समझ में आया हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, इसमें से कुछ क्या हो रहा है, ये दिस इज अगेन बाय बैक्टीरिया, ये भी बाय बैक्टीरिया, और ये भी बाय बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन साइकिल है, बट इसके साथ इसमें से क्या हो रहा है, कुछ नाइट्रेट्स प्लांट्स ले रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। यहां पे फिर आ जाती है बेटा, एक प्रोसेस आ जाती है नाइट्रेट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है यूज हो रहा है, ये बैक्टीरिया नहीं है, इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर नाइट्रो नाइट्रेट्स यूज हो रहे हैं और क्या बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं। देन दीज आर टेकन बाय एनिमल्स ऑल्सो। अगेन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ से, इन दोनों की जब डेथ होती है तो फिर क्या बनता है, अगेन यहां पे बात हम करेंगे डीकंपोजर्स, और क्या बना, अमोनिया बन गया। इज इट ओके? ठीक है, साइकिल ये है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, ये इसमें से कुछ नाइट्रेट्स प्लांट्स ने ले लिए, प्रोटीन्स बनाए, प्लांट्स को खाकर वो प्रोटीन्स कहाँ पे गए, एनिमल्स में चले गए, और दोनों की डेथ के बाद, एनिमल्स की डेथ हुई, प्लांट्स की डेथ हुई और डीकम्पोजिशन हुई, तो फिर क्या बना, फिर अमोनिया बन गया। कहाँ से? प्रोटीन से। फिर अमोनिया बन गया, फिर ये साइकिल शुरू हो गई।
इज इट ओके? ठीक है, जल्दी से अब करिए फटाफट। एंड वन मोर थिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्वेश्चन वन क्या आंसर हो जाएगा? एट थे। यस दीपक, दीपक जल्दी से आगे आ जाओ। एट थे का क्या आंसर आएगा बेटा? यहां से बिल्कुल इट इज बी आंसर है, इट इज बोथ बैक्टीरिया एंड एल्गी। राइट, वेरी गुड बेटा, बैठो। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा ज्यादा है, उठाना बच्चों को थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट लेट्स। द नाइट्रोजन साइकिल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। नाइट्रोजन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये क्या कर रही है, एक तो प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रही है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दूसरा, ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होके फिर बहुत सारा नाइट्रेट फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट, मेंटेन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर एंड एंश्योर्स ए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोटीन, है ना, सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। सो आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर टू, सी वन एंड टू। ए फार्मर सोज बीन्स इन हिज फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग ए, तो ये है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम क्या कहते हैं कि कोई भी वीट के बाद लेग्यूम्स लगा लो, राइस के बाद लेग्यूम्स लगा लो, राइट? सो दिस इज क्रॉप रोटेशन। लेग्यूम्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि लेग्यूम्स की रूट्स में, दिस इज लेग्यूम, दे हैव इस तरह से रूट नोड्यूल्स है, इस तरह से पॉकेट्स है इन रूट्स पे, दीज आर रूट नोड्यूल्स, हैव राइजोबी। राइजोबी। वेरी गुड, वेरी गुड। हैज राइजोबियम, दिस राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन। सम ऑफ द फिक्स्ड नाइट्रोजन गोज टू द लेग्यूम्स एंड सम मूव्स इन सॉयल। जो राइजोबियम एंड सम यूज्ड बाय इटसेल्फ, बैक्टीरिया ने भी तो यूज करनी है, तो जो उसने नाइट्रोजन फिक्स की, कुछ उसने खुद यूज कर ली, कुछ प्लांट्स को दे दी और कुछ सॉयल में दे दी। सो दैट्स व्हाई द फार्मर डज नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ए फार्मर सोज बीन्स इन हिज फील्ड्स, बीन इज ए लेग्यूम, आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हीट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही इज फॉलोइंग इज क्रॉप रोटेशन, है ना, एक के बाद फिर लेग्यूम्स, फिर दूसरी क्रॉप, फिर लेग्यूम्स, राइट? सो आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिसाइड्स कार्बन हाइड्रोजन प्रोटीन्स में यू नो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो है ही है, बट प्रोटीन्स बनाने के लिए और क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, राइट? एंड एन टू। सो प्रोटीन्स ऑल्सो रिक्वायर। वाई डू प्लांट्स, हम कहते हैं कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस तो कर ली, देन वाई डू प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन? प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एवरीबडी ओके?
ठीक है, 8C, माइक ऑन है आपका, जरा ऑन करो अगर नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। मैम इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, देखना जरा ना, किसी की भी नहीं आ रही है, आपकी भी नहीं आ रही है मुझे। नहीं, 8 से नहीं, ए नहीं, ए बंद करो बेटा, सी की हम बात कर रहे हैं। चलो रहने दो, अभी कोई बात नहीं। चलिए जी, बिसाइड्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन, सो टू ओनली, सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। सबके पास असाइनमेंट्स है कि नहीं? हाँ बेटा देखो जरा ध्यान से करो। द फिगर गिवन बिलो है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आई थिंक वन स्टूडेंट इज न्यू स्टूडेंट इन क्लास 8C। यू आर न्यू स्टूडेंट बेटा, जो ब्लू शर्ट में है? नहीं, जो फर्स्ट बेंच पे है? नहीं, अच्छा ये इनके हाउस टी शर्ट से आई हो, ठीक है चलिए कोई बात। सो ये W है, ये Y है, ये एक्स है और ये जेड है। सो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब बेटा बंद, बंद एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, ठीक है। तो ये यहां को भी जा रहा है, राइट? सो व्हाट इज एक्स? इन फैक्ट एक्स इज नाइट्रेट्स विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स। प्लांट ने क्या बनाया? प्रोटीन्स बनाए, ठीक है, एंड दिस इज ईटन बाय एनिमल, राइट? सो नाइट्रेट्स एंड व्हाट रिप्रेजेंट्स नाइट्रेट से और क्या बन जाता है? आई होप दिस इज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नाइट्रेट्स? यहां से आपको पता चल रहा है इट इज एक्स, ठीक है। सो आंसर इज बीटा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा 8A में से। मैम 8C वाले जो है, जरा अपना माइक चेक करवा लो एक बार, चाहे शालू मैम को बुला लो या कुछ कर लो, बट 8A बेटा ए हरलीन, बिट यस रीजन क्वेश्चन रीजन नंबर क्वेश्चन सिक्स। नंबर असाइनमेंट लेके क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर क्वेश्चन सेवन। नंबर सेवन कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस मैम थोड़ी सी वॉल्यूम तो कम करो या बंद करो बेटा। कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, फटाफट से क्रॉप्स लगाई चलेंगे लगाई चलेंगे, तो प्लांट सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट। दिस इज करेक्ट। फार्मर्स हैव टू ऐड मेन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये गलत है ना बेटा? मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्योर बेटा बैठो आप, मेन्योर क्या कर रही है? आंसर सी आ जाएगा बेटा, बी नहीं आएगा। मेन्योर सिर्फ ह्यूमस बढ़ाती है, सॉइल की पोरोसिटी बढ़ाती है, अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स कौन ऐड करते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन जो है वो लिख लो, इट इज फॉल्स बिकॉज फर्टिलाइजर्स एड द न्यूट्रिएंट्स।
बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टोरिंग द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर प्रॉपर बिफोर स्टोरिंग द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. बेटा करेक्ट है तो रेज योर हैंड्स. इज दिस करेक्ट एवरीबडी? 8C वाले भी, अगर आपको ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है जिनको, तो वो अपने हाथ खड़ा करें. 8C में से कुछ हैंड्स खड़े हैं, बाकियों को गलत रख रही है. चलिए जी, हैंड्स डाउन, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. बी एक्टिव है ना, फटाफट से हाथ खड़ा करके. दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. हमें कोई भी ग्रेन स्टोर करने हैं तो हम उनको सन ड्राई करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा अगर ड्राई नहीं करेंगे, गीले गीले रहेंगे, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, तो क्या होगा? उनमें माइक्रोब्स एक्ट करेंगे. यस और नो? तो माइक्रोब्स जब उन पे एक्ट करेंगे तो वो सड़ गल जाएंगे. ठीक है, तो आंसर इज, रीजन है, वेरियस पेस्ट ग्रो इन हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशंस एंड दस मे डैमेज मोएस्ट सीड्स इन द लॉन्ग रन. ये बिल्कुल ठीक है रीजन इसका. तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा. बोथ असर्शन, असर्शन मीन स्टेटमेंट है बेटा, एक एक स्टेटमेंट है, उसका ये एक रीजन दिया हुआ है. असर्शन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. दैट्स व्हाई इट इज, आंसर इज ए. यूज ऑफ मेन्योर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या है पहले तो हम ये देखें. विच किल पेस्ट, एंड वट आर पेस्ट? अनवॉन्टेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इन फील्ड, दे आर पेस्ट. तो जो इन पेस्ट को, सीधे बैठो बेटा, ऐसे 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 नहीं बैठना, बिल्कुल सीधे. ठीक है, बी एक्टिव, नहीं तो नींद इसी पीरियड में आ जाएगी. तो पेस्ट क्या चीज है बेटा? पेस्ट आर अनवांटेड, कीड़े मकोड़े जो क्रॉप्स को खराब कर रहे हैं, दे आर पेस्ट. जो अनवांटेड वीड्स है, दे आर पेस्ट. ठीक है, एंड द केमिकल्स विच किल पेस्ट आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स. बट वट आर बायोपेस्टिसाइड्स? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सम इंसेक्ट्स ईट्स द वीड्स. वीड्स आर सिंपल अनवॉन्टेड प्लांट्स. तो कुछ इंसेक्ट जो, वो क्रॉप्स को कुछ नहीं कर रहे, वो वीड्स को खा रहे हैं. सो दीज इंसेक्ट्स विच ईट द वीड्स, दीज आर बायोपेस्टिसाइड्स. ठीक है, इसी तरह मेन्योर, मेन्योर का क्या मतलब है? जो हम गोबर खाद बनाते हैं, जो घरों की जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके डिकॉम्पोजिशन से जो हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेन्योर. ठीक है जी, तो मेन्योर एंड बायोपेस्टिसाइड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, ट्रू. ठीक है, अगर किसी को पेस्ट नहीं पता, अपनी असाइनमेंट पे लिख लो जो मैं लिख रही हूं. अगर नहीं पता तो वो लिख लो इंटरेस्ट से, सीधे होके बैठो, विद इंटरेस्ट डू इट. नेक्स्ट वीक टेस्ट है आपका इसका.
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया किसका नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी का ही नाम है। सियानो बैक्टीरिया इज अनदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो आ गया, केमिकल नहीं है ये। ये हमने माइक्रोब्स डाल दिए जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, जो प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहे हैं, सो दे आर बायो फर्टिलाइजर्स, राइट? तो यूज ऑफ मैन्योर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ट्रू। सम बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ये रीजन नहीं है किसी का। सो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? एट थे बी इज बी, बी इट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिचेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सोयल। ये ठीक है यार, बायो फर्टिलाइजर्स, जैसे मैंने कहा कि ये बायो फर्टिलाइजर्स अगर है, ये बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। रीजन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया एक्ट एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो दे एनरिच द न्यूट्रिएंट बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया एक्ट एज, बेटा रीजन नहीं है इसका, ठीक है। हाँ जी बेटा, आगे हो, स्टिल हो गए थे मैं, राइट? चलिए, सो एट थे मैम, एट सी देखना, चलिए आ जाते हैं। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 10th, सी। सी नहीं, आई एम सॉरी, बी, बीटा। अब ये 11th, 8C मुझे सिर्फ इशारों से बताएंगे असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट कि इनकरेक्ट। करेक्ट है तो हैंड रेज करो। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, बिल्कुल ठीक है, हैंड्स डाउन। अब आप ही मुझे बताएंगे रीजन वाली जो स्टेटमेंट है, मैन्योर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे ये, अब 8C मुझे बताएगी, 8C में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सो आंसर इज 1 की 2। यस, वेरी गुड। और भी दो इशारे करके बताओ मुझे, फर्स्ट बेंच पे जो ब्लू शर्ट में बच्चे बैठे हैं वो बताओ मुझे, 1 की 2 आंसर। 1, आप ध्यान से देखो, रीजन आपका ठीक है बेटा, येलो शर्ट्स में जो बैठे हैं उनका ठीक है, जो ब्लू शर्ट में, ध्यान से देखो बेटा, पर्पल वाले नहीं, ब्लू, द बॉय, कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है क्या? रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि नहीं? आंसर इज 1 की 2, ए की बी, बी आंसर है, बिल्कुल ठीक है बेटा, कि दोनों असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट्स ठीक है, बट द रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। चलिए जी, अब केस स्टडी कीजिए फटाफट से। कुछ भी नहीं है, लग ही रहा है इतना बड़ा सा है, कुछ भी नहीं। केस स्टडीज बेटा ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हाय कितनी मुश्किल है, हाय ये डायग्राम से पता नहीं क्या है, और उसमें होता कुछ भी नहीं है, ठीक है? करो जल्दी से, आई एम जस्ट कमिंग। Gracias.
Is it working now? Hello, ma'am. Hello, ma'am, now we are audible. Yes, yes, you are audible, beta. Okay, ma'am. चलिए good. हाँ जी चलिए किया बेटा 8C कर लिया बच्चे. हीरा कह रहा है ब्रदर बीरा योर मेज क्रॉप्स लुक ब्यूटीफुल दे हैव ग्रोन प्रेटी फास्ट. बीरा यस आई हैव स्प्रेड यूरिया दिस टाइम व्हाट अबाउट यू. हीरा सेड वेल आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन गुड ओल्ड काउ डंग. आई एम सेविंग मनी फॉर बाइंग अ ट्रैक्टर. Bira, that's good. Tractor saves a lot of time and labor. Hira, yes, it has been very labor intensive and now these weeds have come up. Try weedicides, they are very effective. Bira ne ye kaha. So, yahan pe list the practices which are not environmental friendly and why. Theek hai, inme se kya urea spray karna practices kya hai? Underline kar lo zara jaldi se. Spraying of urea. Using of cow dung, using of tractor, use of weedicides. ये चार चीजें हैं बेटा. कौन कौन सी अंडरलाइन करो. यूज ऑफ यूरिया, यूज ऑफ cow dung. Use of tractor and use of weedicides. ये चार practices है right? So, eighth B में से मैं बुला रही हूं that is Ishita. Ishita is there, eighth B? Yes, ma'am, she's coming. Okay. ठीक है जी मुझे ये बताना है, ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी प्रैक्टिसेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. यूज ऑफ यूरिया. यस यूज ऑफ यूरिया. यूज ऑफ यूरिया ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. मतलब मैं क्रॉस कर ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है बेटा इशिता. यस यस. यूज ऑफ ट्रैक्टर एनवायरमेंट को कुछ इफेक्ट करता है? नो है ना. वैसे तो चलो थोड़ी बहुत पोल्यूशन करता है बट इट्स ओके क्योंकि मैकेनिकल है. यूज ऑफ वीडीसाइड्स केमिकल वीडीसाइड्स? मैम यस. यस तो ये दो प्रैक्टिसेस जो है यूज ऑफ यूरिया एंड यूज ऑफ वीडीसाइड्स आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ठीक है लिख लो आंसर लिख लो. Use of first answer है use of urea and use of weedicides are not environmental friendly. What are the advantages of modern agricultural implements? They save time and labor. Simple. They save time and labor. ठीक है जी. देन ये वाली केस स्टडी आप करोगे बाद में. पहले आ जाइए बेटा आपके पास असाइनमेंट वन है. एवरीबडी ठीक है. मैं इसके बेटा आंसर्स बताती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे आपने कर लिए थे. ठीक है तो जो आंसर्स जो है
नहीं आपको पता चले होंगे वो मेरे से पूछ लेना। बाकी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ये कर लिए थे, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो लिख लो, बट प्रॉपर लिखना आंसर्स। फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट असाइनमेंट 1, ये आपने किया हुआ है। 1 का ए, 2C, 3, 3 का ए एंड बी दोनों है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4th किया था। डी डेल्टा 5 भी हमने किया था, डेल्टा 6 भी आपने मुझे बताया था, सी 7th जो हम हार्वेस्टिंग करके हम खेत को खाली छोड़ देते हैं फॉर रिप्लेनिशिंग द मॉइस्चर फ्रॉम और न्यूट्रिएंट्स, दैट इज फील्ड फेलो। 7th का डी, उसको कहते हैं फील्ड फेलो। स्प्रिंकलर सिस्टम चंडीगढ़ में, बाकी जगह मुझे नहीं पता है, अगर चंडीगढ़ में आओ तो आपको स्प्रिंकलर सिस्टम दिखेंगे। लेट मी शो, एक मिनट बेटा, आपने देखी है शायद आपके स्कूल में भी लगे हुए हो, यस देखी है आपने, फिर यस मुझे दिखाने की जरूरत तो नहीं है कहीं पे। मैम नो चलो बस फिर तो पता ही है आपको। तो इट कंट्रोल्स द वाटर सप्लाई है ना, तो वो वाटर वेस्टेज बढ़ाता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट अबाउट मेन्योर। मेन्योर मैंने बताया ऑर्गेनिक वेस्ट से जो बनी है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ऐड करते, सो दे आर रिच इन एब्जॉर्बेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सी ऑप्शन जो है वो गलत है, 9th इज सी। 10th का हमने किया था कि प्लांट्स को अगर बहुत क्लोज ग्रो करेंगे तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा फॉर लाइट न्यूट्रिएंट्स, दे डोंट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, इसलिए उनमें प्रॉपर फ्रूट्स नहीं बनेंगे। सो 10th इज आंसर बीटा। 11th, हम बहुत सारे ग्रेन्स को बीकर में डाल देते हैं, कुछ तैरते हैं और कुछ नीचे बैठ जाते हैं, कौन से हेल्दी है फॉर ग्रोइंग? मैम विच सिंग्स Which sinks? क्योंकि जो ऊपर, क्योंकि they are destroyed by the insects, ठीक है, वो अंदर से खोखले हो गए हैं, इंसेक्ट्स ने उनको खा डाला है, इसलिए जो फ्लोट करते हैं उनको बाहर निकाल दो। और घरों में भी आपने देखा है, आप राजमा भिगो, चने भिगो, तो मम्मा क्या करती है, जो ऊपर तैर रहे हैं उनको हम घेर देते हैं, राइट? सो आंसर इज 11th इज बीटा। यूज टू सोज सीड्स, 12th इज बीटा। ड्रिल, ठीक है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और उसमें से थोड़े थोड़े सीड्स, जो ऊपर से सीड्स डालते हैं नीचे से वो निकलते जाते हैं, दैट इज ड्रिल। 13th, जो बड़े बड़े बेटा रूम्स है, कोल्ड स्टोरेज रूम्स जो बहुत बड़े बड़े हैं, दे आर कॉल्ड एज साइलोस। केमिकल फर्टिलाइजर्स, विच इज नॉट ट्रू, सी कि दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, नहीं, ह्यूमस कौन ऐड कर रहा है, दैट इज ऑर्गेनिक मैम मेन्योर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 15th, नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मेन्योर, ये हमने पहले भी किया है। 15th इज बीटा। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या है बेटा, ध्यान से इधर देखो,
कि खेतों की जो फर्टिलाइजर्स डाले हैं, बेटा इधर ध्यान दो, खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डाले हैं वहां से पानी हमने दिया, उसमें से बहुत सारा पानी बहकर कहाँ चला गया, फ्लो करके कैनाल्स में चला गया। कैनाल्स वो कहाँ पे जाके मिली, रिवर्स में मिली, उसमें बहुत सारा यूरिया है, फर्टिलाइजर्स है। तो क्या होगा जब वो रिवर्स में मिली, लेक्स में मिली, तो वहां पे जो अंदर एल्गी है, जो उसके नीचे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन मिल गई, वो जल्दी से ग्रो करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो प्लांट्स डाई किए, वो नीचे बैठ गए और प्लांट्स ग्रो करने शुरू कर गए, वो मर गए, वो नीचे बैठ गए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस रिवर का, उस लेक का लेवल कम होता जा रहा है, और अगले 50-100 सालों में वो सूख जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। इज इट ओके, समझ में आई मेरी बात? Yes. ठीक है, सो आंसर इज ए, 16th इज ए। सेवनटीन्थ, कि क्या फॉल्स है, कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है बहुत पुराना है? नहीं, वो तो अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ है। सेवनटीन्थ बीटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने देखा होगा बेटा, कुछ लोगों ने क्या होता है, बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स जो है ना, वो प्लांट्स के नीचे बेस में लगा दी और छोटा सा छेद कर दिया, धीरे धीरे पानी जो है उसके अंदर रिसता रहता है, रिसता रहता है। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, दिस इज क्या बोलते हैं इसको, मैं इरिगेशन एक मिनट जरा आपको, दिख रहा है बेटा आपको ये देखो, ये पाइप में से ये थोड़ा सा, ये ड्रिप थोड़ा सा छेद कर दिया, धीरे 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 ये जाता जाएगा, दिस इज ड्रिप इरिगेशन। ओके, ये देखिए ये जा रहा है, दिस इज ड्रिप इरिगेशन। ये देखो यहां से ऊपर पानी भर दिया, धीरे धीरे यहां से फ्लो कर रहा है, दिस इज ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक्सेस ऑफ इरिगेशन, ये मैंने आपको बताया था, 19th का डेल्टा। 20th, रिमूविंग, जो वो झाड़ते हैं ताकि उसमें से जो भूसा है वो निकल जाए, दैट इज थ्रेशिंग। 21 का, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है आपको पता है, इसकी ऑप्शन ए है, बट एक बार चेक कर लेना। रीजन असर्शन, जल्दी से ये आप बताओ बेटा, लास्ट दो क्वेश्चंस है बस, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, यू टेल मी। 8C में से बताएंगे कोई, तरनवीर बताएगा, वेर इज तरनवीर? हाँ जी तरनवीर, अपनी असाइनमेंट लेके आओ, अपनी असाइनमेंट लेके आओ बेटा। रीजन असर्शन बेटा, 8 थे जो कनेक्ट हुई है, वो ये आंसर्स नोट कर लें, और रीजन असर्शन हम कर रहे हैं 22 असाइनमेंट 1 में से। हाँ जी बेटा मैम बोलो सी, बेटा, मैम सी, असर्शन देखो बताओ पहले मुझे बताओ, असर्शन ठीक है कि गलत है? अगर हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी क्रॉप लगाते जाएंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करेंगे, इट इज डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट और नॉट? ट्रू, टू फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू, क्या लिखा है आगे, टू रिप्लेनिश द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स। वो कहता है फार्मर को रेगुलर मैन्योर्स डालनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स डालनी पड़ेगी, ताकि सॉयल में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। ये ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? फॉल्स। क्यों डालनी नहीं पड़ेगी उसे, सॉइल को दोबारा से फर्टाइल करने के लिए क्या उसे मेन्योर और फर्टिलाइजर्स नहीं डालनी पड़ेगी? डालनी पड़ेगी डालनी पड़ेगी, तो फिर दिस इज ट्रू, रिप्लेनिश मतलब दोबारा से उसको फर्टाइल करने के लिए। तो क्या ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा, ए की बी?
B आ जाएगी. यस तरनवीर, वेरी गुड बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाँ जी, एट्थ ए में से, एट्थ ए में से आ जाए बेटा दीपक. लास्ट क्वेश्चन है दीपक, अपने असाइनमेंट लेके आना बेटा. दीपक से मैंने पहले तो नहीं पूछा था, अगर पूछ लिया था तो कोई और स्टूडेंट बोले. हाँ ऑन करो बेटा, ऑन करो, ये अभी ऑन नहीं हुआ बच्चे. हाँ अब बोलो, 23rd का आंसर बेटा. ये वैसे मैंने आपको बताया ही है, ये आगे भी रीजन असर्शन में आ गए थे, बट बताओ ये आंसर मैंने बताया ही है आपको. बेटा हाँ, आंसर इज ए, क्योंकि हम सनड्राई क्यों करते हैं, ताकि पेस्ट से बचाया जा सके. बिल्कुल ठीक है तरनवीर, बैठो बेटा. ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट टुडे. लास्ट वाली केस स्टडी भी हम जरा सा फटाफट से आंसर बता दें. वीडिसाइड्स पहली ये स्प्रे की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हम देखते हैं कि इन 2018 कौन सी हमें सबसे बेटर मिली है फील्ड टू में, और 2019 में फील्ड वन में सबसे बेस्ट मिली है. इसका मतलब वीडिसाइड चाहे वन चाहे टू, बट दे हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यील्ड. सो आंसर आ जाएगा, वीट प्रोडक्शन वाज बेटर इन फील्ड्स स्प्रेड विद वीडिसाइड्स. बी ऑप्शन करेक्ट है. और वीडिसाइड जो है बेटा, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग हम ज्यादा स्प्रे करते हैं. किसकी फ्लावरिंग? वीड्स की फ्लावरिंग होने लगे, ताकि उसके जितने सीड्स बने वो खत्म हो जाए. ठीक है, तो वीड्स द फ्लावर प्रोड्यूस इट इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है डेल्टा, कि भी अगर फ्लावर्स लग जाएंगे तो क्या हो गया, उनके सीड्स बन जाएंगे, और सीड्स जो है और ज्यादा वीड्स बनाएंगे. दैट्स व्हाई वी स्प्रे द वीडिसाइड जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ताकि फ्लावरिंग हो ही ना सके. इज इट ओके? ठीक है, एनी डाउट? दो मिनट अगर लगा के किसी भी, मैम जरा इनसे पूछ लो, किसी चीज में कोई डाउट है, नाइट्रोजन साइकिल में कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लो मेरे से. नो मैम, नो. चलिए, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट, क्योंकि इस वीक मुझे पता नहीं कि भी सैटरडे हॉलीडे है कि नहीं है, बट अगर इस सैटरडे हॉलीडे नहीं है तो यू विल हैव टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस ऑन दिस सैटरडे, नहीं तो ऑन मंडे. ओके, सो यू हैव टू डेज टू प्रिपेयर दिस चैप्टर. ठीक है, मैक्सिमम रीजन असर्शन के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से समझ के आना. ओके ठीक है बेटा, ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स.